पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग दुखी है, महंगाई चरम सीमा पर है, प्रदेश में बिजली पानी और खाद की किल्लत, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, अस्पतालों में डॉक्टरों और स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश में चल रही इनेलो की परिवर्तन यात्रा से निश्चित तौर पर हरियाणा में बदलाव होगा और हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पलवल में जिला कार्य करने की बैठक लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में आज हर वर्ग दुखी है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है, भीषण गर्मी में भी बिजली और पानी की भारी किल्लत चल रही है, किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, बावजूद इसके उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस यात्रा को प्रदेश के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो उनकी सरकार बनते ही पहली कलम से स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाएगा, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा दी जाएगी, इसके अलावा युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी और जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तब तक उन्हें 21,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा हर घर में एक निःशुल्क एक रसोई गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने का काम किया जाएगा, किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसके अलावा उनकी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर समर्थन मूल्य पर ही उनकी फसलों को खरीदा जाएगा, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा सरकार में जिन बुजुर्गों की पेंशन कट गई है उन बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से बनाई जाएगी और बुजुर्गों की मासिक पेंशन 7500 रुपए प्रति महीना की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है जबकि प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। उनके कार्यकाल में जो सड़कें बनाई गई थी वही सड़कें पिछले कई वर्षों से टूटी हुई हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से मिलने का आपको वास्ता पड़े एक सवाल पूछ रहे हैं, कर्जा किस बात का है, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही। हमारे शासनकाल में जो सड़कें बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत न हो रही, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी का अभाव, खाद और बीज के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है और फिर भी शाम को खाली हाथ वापस आते हैं। अगर प्रभु की कृपा से हमारे भरपूर फसल हो जाए तो सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य उससे बनेंगे, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारी सरकार के वस्तु में एक साल बाजरे की भरपूर फसल हुई थी, हमारा इलाका बेशक मारू इलाका केंद्र की सरकार ने निर्धारित होने पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया। हमने हरियाणा सरकार के खजाने से बाजरे का एक एक दाना, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे पंजाब का था, चाहे यूपी बिहार मध्य प्रदेश गुजरात का था, जितना भी बाजरा हमारे मंडी में आया है उसका एक एक दाना हमें खरीदे था। सरकार को तो कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ, किसान का नुकसान नहीं हुआ। आज फिर प्रभु की कृपा से हमारी फसलों का नुकसान हुआ, कई जगह ओलावृष्टि से, भारी बारिश से, चक्कर से हमारी फसलें बर्बाद हो गई। सरकार इसका मुआवजा देने के लिए तैयार है। सरकार बनाना तो आप करता हूँ,
सरकार बनेगी हम आपके सारा फसल का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजा आपके बिजली और पानी की तकलीफ नहीं हुआ, खाद और बीज के लिए आपको बैंक में नहीं जा पाए, पूरे बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ध्यान क्यों किया, और बूढ़ों को सम्मान प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये महमान कर विकास के कामों को गति दे करके आपके जिम्मे लगाएंगे उनको माफ करेंगे, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देगा, कोई और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे, पढ़ लिख करके बच्चा अगर योग्य हो जाएगा योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर मिला है, उस योग्य लड़के के माँ बाप ने